पिछले 19 महीने पहले भागवत की कथा जब हुई तब मुझसे दीक्षा ली काफी लोगों ने, उनमें से कई लाचार हो गए, कई लोगों की लुटिया डूब गई। क्यों? सुनिए, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। आदमी निर्धन हो जाता है, गुरु की आज्ञा तोड़ने वाला, गुरु को धोखा देने वाला व्यक्ति गरीब हो जाता है, बहुत गरीब हो सकता है और बीमार हो सकता है, कोड़ी हो सकता है। इसीलिए जिंदगी में सब जगह बकवास रखो, पर एक बार बड़ी मुश्किल से कोई अच्छी महात्मा के रूप में गुरु मिलते हैं उनकी आज्ञा में, तो जीवन कभी गवाना भी पड़े तो जीवन चला जाए पर वचन नहीं जाना, फिर देखो वाह वाह कितनी वाह वाह होगी तुम्हारी, जय जयकार होगी। अरे मैं कहता हूं ऐसी कथा तो तुम सब कर सकते हो, मेरी बात मान के देखो, खाली सब कर सकते हो। जिनकी औकात नहीं है वो खड़ी हो जाती है औकात। एक दिन में सुधामा की महल बन सकते हैं तो तुम्हारे भी सब कुछ हो सकता, पर एक बार किसी के बन के तो देखो पूरी तरह। बस 1% गुरु जी की और 99% अपने परिवार के, गांव वालों के, झूठ के, सच के, दोस्त के, दोस्त के, अंडे के, मांस के, शराब के, फलाने के, ढिकाने के, तो 1% वाला नहीं जीतेगा ना। जिसके 99% आंख बंद करके मोहर लग रही है वो जीतेगा, 1% वाला कैसे जीत जाएगा। 99% इंद्रदेव का होके देखो या किसी और गुरु जिसके हैं, मुझे नहीं पता कौन गुरु क्या करता है, पर आप हमारे साथ में एक बार खुद को पूरा जोड़ के देखिए, फिर देखिए अगले 12 महीने में तुम्हारा क्या क्या बदलता है। अरे 12 महीने तो ट्रेनिंग में लग जाते हैं पुलिस की में, है अंडरवियर और बनियान में ही रहता है आदमी, बाद में जब निकलता है बाहर फिर देखो क्या यूनिफॉर्म पहनता है, क्या तनख्वाह निकालता है बैंक से। वही महात्मा इंद्रदेव का ट्रेनिंग सेंटर है। आ जाओ मैदान में, छोड़ आओ लाचारी को और इंद्रदेव के वस्त्र धारण कर लो और ट्रेनिंग में आकर के थोड़ा भाग लो, दौड़ लो, सीख लो, फिर अगली साल देखो कैसे धनाधन राम कथा होती है, बिना रोके बिना सोचे धुआंधार होती चली जाएगी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हरी।